सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साइड में लगे हुए उसके आइकन बेल के बटन को, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। हेलो ऑल ऑफ यू, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब फेयर के बारे में। तो मुझे रिसेंटली जो है, मतलब आज ही पता लगा कि एक जॉब फेयर होने जा रहा है, और इस जॉब फेयर में जो डिफरेंट डिफरेंट जो आपका जिन बच्चों ने कोर्स किए हुए हैं उनको बुलाया जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो है कि जिन्होंने ITI किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, वो कैंडिडेट्स जो हैं या वो स्टूडेंट्स जो है जो कि पास आउट हैं, फ्रेशर हैं, वो इस जॉब फेयर में जा सकते हैं। जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है डिफरेंट ब्रांचेज में, B.TECH की हुई डिफरेंट ब्रांचेज में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में, सिविल इंजीनियरिंग में, और या फिर आपका जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और अगर आपने MBA किया हुआ है फाइनेंस में, या फिर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट HR में, या फिर आपने जो है BBA किया हुआ है, BCom किया हुआ है, BSc किया हुआ है, MBA किया हुआ है आपने, तो आप जो है इस जॉब फेयर में जा सकते हैं। और ये जो जॉब फेयर हो रहा है, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि इस जॉब फेयर कहां पर ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो इस जॉब फेयर में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको इस जॉब फेयर में जब जाएं तो अपने साथ जो है अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो है फोटोकॉपीज का एक सेट अपने साथ रखें, और अपने रेज्यूम की कम से कम एटलीस्ट 10-15 फोटोकॉपीज जो है अपने रेज्यूम की अपने साथ रखें, और अपने लेटेस्ट जो अपडेट जो आपके फोटो हैं 10-12 फोटो अपने साथ जरूर इस जॉब फेयर में आप लेके जाएं। तो अगर आप इस जॉब फेयर में जाना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस जॉब फेयर में जा सकते हैं। इस जॉब फेयर में आपको अगर जाना है तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी और अपना जो आपका रेज्यूम है उसकी एटलीस्ट 10-15 कॉपीज और अपने 10-12 लेटेस्ट जो फोटोज हैं वो अपने साथ लेके आप इस जॉब फेयर में जा सकते हैं। तो ये जॉब फेयर जो है ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो ये जॉब फेयर जो 27 अप्रैल 2019 को ऑर्गेनाइज हो रहा है, और कहां ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये जॉब फेयर ऑर्गेनाइज हो रहा है आपका मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, ये आपका पड़ता है अलवर राजस्थान में। तो अगर आप जॉब फेयर में जाना चाहते हैं और अगर आप इंटरेस्टेड हैं जॉब फेयर में जाने के लिए, तो आपको जो है इस इंस्टीट्यूट में आपको जाना पड़ेगा 27 अप्रैल को सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक जो है जॉब फेयर वहां पर चलेगा। और इसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि मोर देन 25 कंपनीज जो है इस जॉब फेयर में आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनीज जॉब फेयर में आ रही है। तो अब आपको अगर आप इस जॉब फेयर में अगर जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको उनका जो पैम्पलेट है वो आपको दिख जाएगा, आपको मेरी इस वीडियो की स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा ये पैम्पलेट जो इनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है। और मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है इसकी जो वेबसाइट है कॉलेज की वो आपको मिल जाएगी, और रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा। तो इस जॉब फेयर में जाने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जब आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे पहला जो पेज आएगा जॉब फेयर का ही आएगा, उस पर जॉब फेयर की इमेज लगेगी, उसी के नीचे जो साइड में लिखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर जॉब फेयर 2019, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का पेज जो ओपन हो जाएगा, उसमें आपको अपना नेम, अपना जेंडर, अपना जो है उसमें कौन से कॉलेज से आपने जो मतलब अपना डिप्लोमा ITI B.TECH MBA जो भी कोर्स है आपने कौन से कॉलेज से किया है, उस कॉलेज की लोकेशन कहां पर है, और साथ में जो है आपने मतलब कौन सा कोर्स किया हुआ है। सपोज अगर किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल में, डिप्लोमा इन मैकेनिकल लिखेगा, अगर आपने ITI किए तो ITI इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, या जो भी आपका ITI इन फिटर, ITI इन जो भी आपने जिस भी फील्ड में किया आप लिखेंगे, अगर आपने B.TECH किया तो किस ब्रांच में क्या है वो लिखना है क्वालिफिकेशन में, और आपने AMIE की तो AMIE का लिखना है, MBA है तो जो भी आपने जिस भी फील्ड से आपने क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है वो आपने वहां लिखनी है। उसके बाद नीचे आपके ब्रांचेस हैं, तो ब्रांचेस में जो है आपका जो जिन्होंने डिप्लोमा B.TECH AMIE और आपका जो है जिन्होंने MBA किया हुआ है, जिन्होंने M.TECH किया हुआ है, उनके लिए ब्रांचेस के ऑप्शन नीचे दिए हुए, जिसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और आपका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, और आपका जो है उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट HR, और आपका फाइनेंस एंड अदर। तो ITI वाले कैंडिडेट्स जो है जो कि लिखेंगे ITI इन फिटर, ITI इन जो है आपका प्लम्बर, ITI इन इलेक्ट्रिशियन, तो उनके लिए वहां ऑप्शन नहीं होगा, तो उनको अदर के ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा। ठीक है, अदर के ऑप्शन पे टिक करने के बाद जो है आपने उसके बाद उसमें नीचे नेक्स्ट उसमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना है। कॉन्टेक्ट नंबर देने के बाद उसमें लास्ट में आपका नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी,
नहीं, तीनों मांगे हैं। तो पहले अपना नाम लिखना है अपना कैपिटल में, फिर स्लैश और जैसा उन्होंने दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे उसमें, उसी तरीके से आपने वहां लिखना है अपना नाम स्लैश अपना कॉन्टेक्ट नंबर स्लैश अपना ईमेल आईडी, उसके बाद उसको सबमिट कर देना। तो जब आप सबमिट कर देंगे तो आपका जो है उनके रिकॉर्ड में जो है आपका जो डाटा है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद जो आप जो है इस जॉब फेयर में जा सकते हैं 27 अप्रैल 2019 को मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर जो कि अलवर राजस्थान में पड़ता है, आप वहां जाकर जॉब फेयर में आप जो इंटरव्यू दे सकते हैं। इस इंटरव्यू में इस जॉब फेयर में जाने से पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, इस जॉब फेयर में जाने से पहले आप जो इसका पैम्पलेट देखेंगे जॉब फेयर का उसमें नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं, तो जाने से पहले जो है आपने या रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो है आपने पहले सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है कि सर ये जॉब फेयर जो है मतलब हमने देखा है कि आपकी कॉलेज की वेबसाइट पे दिया हुआ है 27 अप्रैल को ऑर्गेनाइज हो रहा है, हम दिल्ली से या जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं बात हम उस स्टेट से हैं, हमने ये कोर्स ये हमारी क्वालिफिकेशन है, क्या हम इस जॉब फेयर में आ सकते हैं। अगर कहते हैं यस आप इस जॉब फेयर में आ सकते हैं तो फिर आप उसमें रजिस्ट्रेशन करके आप जो 27 अप्रैल को मॉर्निंग में सुबह 9 बजे वहां पहुंच जाए। जॉब फेयर का स्टार्ट होने का जो टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है, तो आप इस जॉब फेयर में इंटरेस्टेड जा सकती हैं। अगर आप नहीं जा पा रहे इस जॉब फेयर में तो आपके जो कुलीग हैं आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनको जरूर इस जॉब फेयर के बारे में बताएं, या आपका कोई फ्रेंड अगर राजस्थान से बिलोंग करता है अलवर के आसपास है तो आपने उस फ्रेंड को भी आप बता सकते हैं कि राजस्थान में जो एक जॉब फेयर हो रहा है 27 अप्रैल को आप इस जॉब फेयर में जरूर चले जाएं। तो आपके जो कुलीग्स हैं आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनको भी इस जॉब फेयर के बारे में जरूर बताएं, या फिर आप मेरी इस वीडियो को जो है आगे शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स को जिससे कि उनको जो है एक हेल्प मिल जाए एक सपोर्ट मिल जाए और वो लोग जो जॉब फेयर में जाकर के जॉब पा सकें। तो आई होप से इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं कुछ न कुछ हेल्प और सपोर्ट आपको कर पाया हूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके थैंक यू बाय बाय।